हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ अनलॉक नीट क्लास अब हम पहुंच चुके हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का लास्ट वैक्यूल कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट लाइसोसोम्स वी डिस्कस्ड इम्पॉर्टेंट टर्म्स लाइक एंडोसाइटोसिस क्या है एक्सोसाइटोसिस क्या है राइट वी ऑल्सो अंडरस्टूड वट आर फेगोसोम्स पाइनोसोम्स

तो हमने डिफ्रेंशिएशन में डिस्कस किया था कि यू कैरियोटिक में राइट right, वेक्यूल्स में प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन और उस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट सो बेसिकली दीज आर नॉन साइटोप्लाज्मिक एरियाज़ जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है एंड सेपरेट फ्रॉम द लेटर विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन और उस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट बात की जाए इनकी ओरिजिन की क्लास सो दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइट नाउ वैक्यूल्स को क्लासिफाई किया गया है फोर डिफरेंट टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एंड फंक्शन दे परफॉर्म सो लेट्स डिस्कस फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स दीज आर कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल सैप वैक्यूल डाइजेस्टिव वैक्यूल एंड कैश वैक्यूल

osmoregularity means that they maintain the osmotic pressure in the fluid of organism by controlling salt and water concentration also they are involved in excretion so basically contractile vacuole ye protozoas mein, right aapke algae present rahega, right they maintain the osmoregularity of the cell and they are involved in excretion next is sap vacuole राइट यहाँ पे आपको नजर आ रही है में मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंड आयंस राइट और, in right? और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगा दैट इज गोइंग टू अकर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन है इज मोर inside the vacuole as compared to the cytoplasm talking about the functions of vacuole they are involved in storage like amino acid sugar waste material water soluble pigment that is anthocyanin and this anthocyanin it imparts color to fruits and flower next type of vacuole is digestive vacuole abhi last

so digestive enzymes which are involved in the breakdown of food is digestive vacuole food vacuole and the last category of vacuole is gas vacuole gas vacuoles they are present in prokaryotic cell bacteria like cyanobacteria or blue-green algae बात की जाए फंक्शंस की क्लास सो मेटाबॉलिक गैस प्रेजेंट रहती है गैस वेक्यूल्स में एंड दिस गैस इज गोइंग टू बी यूटिलाइज फॉर मेंटेनिंग द ब्योयेंसी ऑफ द सेल क्लास आपको याद होगा जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ा था वहां पे आपको बताया था कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी दैट इज कंसिडर्ड टू बी क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन है इट इज कम्पोज ऑफ ओनलीज नॉट अ ट्रू मेम्ब्रेन, एंड दैट इज वाई मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन गैस वेक्यूल इज सेट टू बी सियोडो वेक्यूल सो class these वर द डिफरेंट types of vacuoles right contractile vacuole फूड वैक्यूल भी बोलते हैं एंड द लास्ट वन इज गैस वेक्यूल सो आई होप यू हैव अंडरस्टुड द डिफरेंसेस और इनकी किन-किन ऑर्गेनिजम्स में होती है सो टुडे वी हैव एंडेड ऑल फोर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम राइट वी स्टार्टेड विद एंडोप्लाजमिक रेटिक्यूलम देन गोल्जी बॉडी देन वी डिस्कस्ड लाइसोसोम एंड टूडे वी हैव कम्पलीटेड vacuum so class in our next lecture we'll be discussing about micro bodies so stay connected and stay tuned for our next lecture thank you and have a great day